असार बिचारा है। प्रभु को वश करने का राधा नाम सहारा है। प्रभु को वश करने का राधा नाम सहारा है। प्रभु को वश करने का राधा नाम हमारा है। राधा नाम कृष्ण को वश में कर देता है तो क्या कृष्ण से इसमें अधिक शक्ति है क्या? बोलो सुनो, श्री कृष्ण ने अनंत गोपियों को, सारे ब्रह्मांड को जो वंशी से वश में किया तो उस वंशी में राधा नाम उन्होंने सिद्ध किया था। बोले ये तो तुम अपने आप कहते हो, नहीं पुराणों में लिखा है। महाराज करने के पहले उन्होंने राधिका रानी का आश्रय किया, नहीं तो महाराज नहीं कर सकते थे। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता, योग माया का सहारा लिया। ये राधिका रानी है, योगा चासु माया, योग माया जो नित्य उनके साथ रहती है, उनका आश्रय किया। और फिर उसके बाद रटरी मुरली राधे राधे, उन्होंने मुरली से कहा, मुरली तुझको अब मैं वशीकरण मंत्र सिखाता हूं, तू इस मंत्र को सीख ले तो अनंत कोटि गोपियों के क्या सारे ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु शिव आदि सबको वश में कर लेगी। ले ये मंत्र, मैं तुझको देता हूं। ये रसिकों का पद है, हमारा नहीं। रटरी मुरली राधे राधे, मुरली बोली तो ये मैं मंत्र रटूं, क्या राधा रानी आपसे बड़ी है? तो भगवान बोले, अरे मुरली तू नहीं जानती है, सुन यही मेरे साधन आराधन, यही मेरी आराधना है, यही मेरी साधना है। मुरली को गुरु के रूप में श्री कृष्ण शिक्षा दे रहे हैं, यही मेरे साधन आराधन। रस सीमा गुण रूप अगाधे, मुरली राधा रानी रस की सीमा है, गुण रूप की सीमा है, रस की पराकाष्ठा राधिका है, मैं नहीं हूं। और मैंने तुझसे इतना प्यार क्यों किया मुरली, सुन अपने ओठों से क्यों लगाता हूं, जा कारण मैं मृदु मुख धारी, तू वंशी में तू मुरली मुरली रटेगी रटती है, इसलिए मैंने तुरा इतना सम्मान किया। मुरली मुझे प्राणों से प्यारी क्यों बनी, क्योंकि वो राधा राधा रटती है। जा कारण मैं मृदु मुख धारी, जाएगी तेरी साध पूरी होगी, तू सारे ब्रह्मांड को, ब्रज को, गोपी ग्वाल पशु पक्षी सबको वश में कर लेगी।
इसलिए इसको रट। हरिवंशी में गाते दिन रात रटा करते, हरिवंशी में गाते दिन रात रटा करते। श्री कृष्ण वंशी में यही गाते हैं, परम धन राधा नाम धार जाय श्याम मुरली में टेरत, और कुछ नहीं वंशी में गाते हैं, ये प्रमाण है। जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम, वंशी में यही गीत गाया था। कलम राधा नाम क्लिंग का बीज है। हरिवंशी में गाते दिन रात रटा करते, हरिवंशी में गाते दिन रात रटा करते। वो कितना बड़ा मंत्र है जिसको कृष्ण रटते हैं। कालिंदी महात्मा लोग कहते हैं कि जैसे कोई नाम साधना करता है वैसे जमुना जी किनारे श्री कृष्ण चले जाते हैं और किसी एकांत कुंज में साधना करते हैं। कालिंदी तटकुंज मंदिर गतो योगिंद्र वद यद पदत, योगिंद्रों की तरह श्री कृष्ण बैठ जाते हैं। ये श्री कृष्ण का भजन है, ये भागवत में उन्होंने कहा है, मया परोक्षम भजता तिरोहितम, मैं गोपियों तुम्हारा भजन कर रहा था, मैं छोड़ के गया नहीं था। रास पंचाध्यायी में 32वें अध्याय में 21वां श्लोक है, मैं तुम्हारा भजन कर रहा था। एवं मदर्थोच्छित रोत लोक वेद स्वानाम ही मयो अनुवर्त बला, मया परोक्षम भजता तिरोहितम। भगवान कैसे भजन करते हैं राधा रानी का, सुनो। यमुना जी किनारे चले जाते हैं, कालिंदी तट कुंज मंदिर गतो, किसी एकांत कुंज में बैठ जाते हैं और राधिका रानी के चरणों का ध्यान करते हैं। योगिंद्र वद यत पदत ज्योतिर ध्यान परा, सदा जपति याम पूर्णो पूर्णा श्रुतो हरि, आंसू भर करके राधा राधा नाम जपते हैं। उससे क्या होता है, श्री जी खींचती हैं। आराधना करो को इष्ट खींचता है, आता है। जब वो इस तरह से आराधना कर रही थी तो राधा रानी दौड़ के आई। कालिंदी तट कुंज मंदिर गतो योगिंद्र वद्यत पदत ज्योतिर ध्यान परा, सबत सदा जपत याम प्रेमाशुर पूर्णो हरि, सा कापि स्मर के निकोमल गता केनापि सम्मोहिता। सम्मोहन हुआ, राधा नाम रटोगे तो राधा रानी सम्मोहित होकर के दौड़ के आएंगी। रतिरसा नंदेन सम्मोहिता सा राधा। वो जो वर्णद्वयी राधा दो अक्षर वाली, दो अक्षर नाम वाली है, वो हमारे ध्यान में आ जाए। तो इसलिए हरिवंशी में रटते, हरिवंशी में गाते दिन रात रटा करते, हरिवंशी में गाते दिन रात रटा करते, दिन रात रटा करते, दिन रात रटा करते। हरिवंशी में गाते दिन रात रटा करते, हरिवंशी में देखो दिन रात रटा करते। वो
कौन सा मंत्र है? बस दो ही अक्षर का राधा नाम हमारा है। बस दो ही अक्षर का राधा नाम हमारा है। राधा नाम हमारा है। राधा नाम हमारा है। राधे श्री बस दो ही अक्षर का राधा नाम हमारा है। दो ही अक्षर का राधा नाम हमारा है। सब वेद पुराण ने यह सार विचारा है। सब वेद पुराण ने यह सार वेद पुराण में यह सार विचारा है। वेद पुराण में यह सार विचारा है। प्रभु को वश करने का राधा नाम हमारा है। प्रभु को वश करने का राधा नाम जब श्री कृष्ण के लिए साधन राधा नाम है, तो हम लोग जो संसारी लोग हैं उनके लिए क्या सहारा है? ऐ दुनिया के लोगों, ए भोगियो, ए विषयो, ए नारकियो, ए पातकियो, तुम्हारे लिए भी सुनो, ऐ दुनिया के लोगों सब कान खोल सुन लो। ऐ दुनिया के लोगों सब कान खोल सुन लो। दुनिया के लोगों सब कान खोल सुन लो। ये सब कान खोल सुन लो। सब कान खोल सुन लो। ऐ दुनिया के लोगों सब कान खोल सुन लो। पर तत्व, सबसे परात्पर तत्व को जानना है तुमको, छोटी मोटी चीज नहीं। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यशास्मि तत्वतः। ब्रह्म ज्ञान के बाद भी भगवान ने गीता में 18वें अध्याय में कहा, तुम ब्रह्म रूप हो जाओगे लेकिन मेरे रस रूप को नहीं जान पाओगे। ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। ब्रह्म रूप तो हो गए लेकिन इसके आगे भी कोई कोर्स है? बोले वो भक्ति से जानोगे, वो भक्ति राधा रानी देंगी। भक्त्या माम अभी जानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः, ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा, तब तुम्हें तत्व ज्ञान हुआ। इसलिए ऐ दुनिया के लोगों
सब कान खोल सुन लो। श्रद्धा से सुन लो, ये गुप्त बात है, रहस्यमयी बात है। कान खोल के सुनोगे तो कल्याण हो जाएगा, और नहीं तो हमारा कोई नुकसान नहीं है। उस तत्व को नहीं जान पाओगे। ऐ दुनिया के लोगों, सब कान खोल सुन लो। परतत्व जानने का राधा नाम हमारा है। परतत्व जानने का राधा नाम हमारा है। राधे श्री धनी धनी राधिका के चरण और दास परमानंद क्षण क्षण एक एक क्षण क्षण में श्री जी के चरणों में गिरते हैं। श्याम जी की शरण ऐसे चरण हैं, एक एक क्षण में सैकड़ों बार गिरते हैं चरणों में। धन्य है वे चरण। ऐ दुनिया के लोगों, सब कान खोल सुन लो। ऐ दुनिया के लोगों, सब कान खोल सुन लो। ऐ सब कान खोल सुन लो। ऐ सब कान खोल सुन लो। पर तत्व जानने का राधा नाम हमारा है। सब वेद पुराण में यह सार विचारा है। को वश करने का राधा नाम हमारा है। को वश करने का राधा नाम हमारा है। जितने साधन हैं हम उनको नहीं जानते हैं। हम जप तप नहीं जाने, हम जप तप नहीं जाने, कुछ और नहीं माने। जप तप नहीं जाने, कुछ और नहीं। हम जप तप नहीं जाने, कुछ और नहीं माने। हम जप तप नहीं जाने, कुछ और नहीं माने। ए कुछ और नहीं माने, कुछ और नहीं माने। अरे कुछ नहीं मानते हो, जानते भी नहीं हो और मानते भी नहीं हो, फिर अंधे हैं। अंधा क्या देखेगा, क्या जानेगा मानेगा। लेकिन एक बात है, अंधे की लकड़ी सा राधा नाम हमारा है।
ये बड़ा गहरा अर्थ है। 11वें स्कंद में दूसरे अध्याय में कहा है, भगवान के चरणों का आश्रय धावन निमिलेवा नेत्रे न स्खलेत न पदे दिया। अंधे बन जाओ, निमिल्य आंख बंद कर लो। जो होशियार बनते हैं आंख खोलते हैं, खोलने दो, आंख बंद करके दौड़ जाओ और पार हो जाओगे। ऐसे अंधे बनना, लेकिन खाली लकड़ी लकड़ी आके चल रही है और दूसरा सहारा मत पकड़ना। तो इसलिए हम ऐसे अंधे हैं, अंधे जरूर हैं, लेकिन धावन निमिल्यवा नेत्रे, आंख बंद कर लिया हमने और दौड़ रहे हैं। न स्खलेत न पते दिया, न लड़खड़ाएंगे न गिरेंगे, और तुम आंख वाले गिर जाओगे। हम अंधे पार हो जाएंगे और तुम आंख वाले गिरोगे। ये 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय में घोषणा कर दी गई है, इसलिए इस कड़ी का उससे संबंध है। हम जब तब नहीं जाने, कुछ और नहीं माने, कुछ और नहीं हम जब तब नहीं जाने, कुछ और नहीं माने, हम जब तब नहीं जाने, ये हमने भागवत से प्रमाण दिया और सुधा निधि से भी दे रहे हैं। जो श्री जी के नाम और चरणों का आश्रित है, वो कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मा, वो वेद के कर्मों को करे चाहे न करने। गूढ़ाश्चर्य रसा सर्गादि विषयान ग्रहणंत मुंचंत हुआ, वो विषयों को ग्रहण करे चाहे छोड़ दे, इतनी सामर्थ होती है भगवान के आश्रय में, अनन्य आश्रय में। कैर्वा भाव रहस्य पारग मति श्री राधिका प्रेयसह किंचिज गेय रनयुज्यताम बहिरोह ब्राह्म्यत बिरण्यपि सोई करतू तो विभीषण केरी सपने उराम न निज उरहरी सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली जयक बधेव ब्याध जिमी वाली। इसलिए आंख बंद करके दौड़ जाओ भाई, अंधे बन जाओ। हम जप तप नहीं जाने, कुछ और नहीं माने, कुछ और नहीं माने, अंधे 100% अंधे हैं हम, लेकिन पार जाएंगे और तुम आंख वालों गिर जाओगे। अंधे की लकड़ी सा आ, अंधे की लकड़ी सा राधा नाम हमारा है, अंधे की लकड़ी सा राधा नाम। आज के दिन एक पद है श्री जी के चरणों का आश्रय, वो कृष्ण से भी नहीं मांगता, न दाऊ जी से, किसी से नहीं, रानी मांगन आयो। ये पद यहां भी होता है नंदगांव में, बोले पुरुष जाति के जितने हैं, चाहे कृष्ण है बलदेव है, इनसे हमें कुछ लेना देना है ही नहीं है।
और उस पद का इतना सम्मान है कि बरसाने में नहीं नंदगांव में भी गाया जाता है। श्री जी के चरणों का आश्रय ऐसा होता है। अंधे की लकड़ी सा राधा नाम हमारा, अंधे की लकड़ी सा राधा नाम हमारा है, राधा नाम हमारा है, राधा नाम हमारा है। सब वेद पुराणन में यह सार विचारा है, हरि को वश करने का राधा नाम हमारा है, अरे भाई वेदों में भी जो गुप्त धन गुप्त विद्या मिल गई है, अनादिकाल से ये बात आज तक हमको पता नहीं पड़ा। अगर ये बात मिल जाती तो अब तक हम प्रभु के पास पहुंच जाते, लेकिन आज तक हम लोगों को पता नहीं पड़ा, इसीलिए भटक रहे हैं। ये पता तो श्री जी के जनों के पास जाने से पता पड़ता है। हम बहुत रहे भटके जग में अटके अटके, हम बहुत रहे भटके जग में अटके अटके, अनादि काल से भटक रहे हैं। कुत्ते बने, गधे बने, बिल्ली बने, चूहा बने, मक्खी बने, मच्छर बने, विष्ठा के कीड़ा चनूना बने, चनूनी बने, क्या क्या नहीं बने। हम बहुत रहे भटके और अब मनुष्य बन के भी संसार में ये हमारी बहू है, ये हमारा पति है, बेटा बेटी, इसमें मर रहे हैं। हम बहुत रहे भटके जग में अटके अटके, हम भटके रहे भटके जग में अटके अटके, बहुत रहे भटके जग में अटके अटके, हम बहुत रहे भटके जग में अटके अटके, जग में अटके अटके, जग में अटके अटके। ये सब संसारी संबंध अटका लेते हैं जीव को, भगवान के पास नहीं जाने देते। क्यों? इसी में डूबो, इस भवसागर में डूबो, बाहर मत जाओ, बाहर किनारा है, इसी में गोता लगाओ। हम बहुत रहे भटके जग में अटके अटके, हम बहुत रहे भटके जग में अटके अटके। अब मिल गया किनारा, मिल गया, अब मिला किनारा है राधा नाम हमारा है,
बहुत रहे भटके जग में अटके अटके ये भोगों में अटके अटके अब मिला किनारा है राधा नाम हमारा मिला किनारा है शर्म खड़े हो जाओ अब मिला किनारा है राजा नाम हमारा है राधा नाम हमारा है मिला किनारा
कलीसा राधा नाम हमारा है, चुनरे की लकड़ीसा राधा नाम हमारा है, हर मिला किनारा है राधा नाम हमारा है, मिला किनारा है राधा नाम हमारा है, मिला किनारा है राधा नाम हमारा करने का राधा नाम हमारा है, वश करने का राधा नाम हमारा है, प्रभु को वश करने का राधा नाम हमारा हमारा है।
जय जय श्री राधे। एक बार और